हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख सकते हैं गाइस मैं कहाँ पे आई हूँ। आज मैं मेरे कजन के घर आई हूँ। तो ये है इनका किचन, जस्ट वाव वाला किचन है। मैं आपको टूर कराऊंगी। फिलहाल इनसे मिली, ये मेरी कजन है पोम्पा, और ये बहुत भक्ति करती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। तो हम एक साथ मिलके बोलते हैं हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पोम्पा हम सबके लिए बना रही है फ्रेंच फ्राइज। तो चलिए गाइस, मैं आप सबको पोम्पा की किचन टूर कराती हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऑफ कोर्स मॉड्यूलर किचन है, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए गाइस, जस्ट वाओ। और मुझे ब्लैक कलर या फिर डार्क कलर पसंद नहीं है किचन में, तो मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कॉम्बिनेशन। और ऊपर से जो डिज़ाइन है ना, जस्ट वाओ। और ये सब जीजू का डिज़ाइन है, और ये बड़ा भी है, हमारा ओजस भी आए हैं हमारे साथ, और ये फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। ओजस, वेयर आर यू? यू गॉट अ न्यू फ्रेंड ओजस, यू गॉट अ न्यू फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, मम्मी जी भी आए हैं, और साथ में मेरी जिठानी की मम्मी भी आई हुई है। और मैंने इनको लाया इनके घर में, ताकि मतलब पहचान हो पाए। तो आने के बाद पता चला कि इनके ही रिलेटिव्स हैं। हेलो हेलो, से हेलो, हेलो, हाय हाय, ओजस से हाय, ओजस बाय ए पता से अम्मा, हाय हाय, गुड। तो ये रही मम्मी जी, आराम से बैठ के स्नैक्स ले रही है, और साथ में मेरी हबीबी भी ले रहे हैं जूस वगैरह। और आज पता नहीं मम्मी जी कैसे मान गए, वैसे तो मानती नहीं है, आज मजाक मजाक में बोल दिया तो रेडी हो गई घूमने के लिए। सो खैर, अभी मैं पोम्पा के मंदिर टूर कराती हूँ। देखिए कितना सुंदर मंदिर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मंदिर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। देखिए लाइटिंग, देखिए इसका, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यस, इस घर का डेकोरेशंस अभी भी बाकी है। और यहाँ ओजस को देखिए, कितना मस्ती से खेल रहे हैं, फ्रेंडशिप भी कर लिया है निर्मादेव के साथ। हाँ, ये पोम्पा की बच्चा है, क्यूट सा बच्चा। Hello, what are you doing? Playing? Playing with your new friend? New friend ओजस? New friend ओजस? बाबाई ती बाबाई डा होता, अरे सेम पिंच, मैं भी इसको बाबाई बुलाती हूँ। बाबाई, योर नेम एंड हिज नेम सेम, बाबाई निकले। तो चलिए मैं फिर से दिखाती हूँ थोड़ा अच्छे से। तो देखिए गाइस, ये किचन के कैबिनेट्स, इतने सारे गाइस, क्या क्या रखेंगे यहाँ पे, नीचे भी है ऊपर भी है, कितने सारे सामान यहाँ पे फिट होगी ना, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये मुझे रहा नहीं जा रहा। ये किचन मुझे इतना पसंद आ रहा है, इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ आप सबको, थोड़ा आप भी टूर करिए। पोम्पा फिर से क्या कर रही है? मैं फिर से फ्राइज बना रही हूँ, थोड़ी कम कर गई है। अच्छा, और इसके बाद थोड़ा कृष्ण के बारे में बात करेंगे। कृष्ण के बारे में मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे से बोलते हैं। अच्छा, फिर से बना रही है फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि मेरा कम पड़ गया। मैं बोल रही हूँ मत बनाओ, लेकिन ये बना रही है, क्या कर सकते हैं। तो बताओ, इतने दिन बाद हम लोग आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और आज तो पूरा फुल पार्टी, फैमिली पार्टी आए हैं, तभी तो और अच्छा लगा। इतने दिनों से इनवाइट कर रहे थे, कभी मौका नहीं हुआ आने का। आज आए ना। तो देखिए फिर से बना रही है, इतने सारे बना रही है, ऐसे ही आते रहना। मैं तो आती रहती हूँ, मैं भी आऊँगी। अब लोग आते नहीं है। नहीं, हमारे में क्या है कि मैं अगर जॉय होते घर में तो श्योर आते हैं, आपको तो छुट्टी भी मिल जाती है, पर इसके पापा को थोड़ा छुट्टी कम मिली, थोड़ा समय निकाल के आओ। और गाइस लेट मी टेल यू, ये लोग, ये फैमिली जो है पूरा प्योर वेज है, प्योर वेजिटेरियन है, क्योंकि सारे कृष्णा के भक्त हैं। और वृंदावन से दीक्षा लिया हुआ है ना, वृंदावन से दीक्षा लिया हुआ है, बहुत साल हो गया है, तो तभी से प्योर वेज खा रहे हैं।
और कितना अच्छा लग रहा है, घर भी मस्त है गाइस। और मैं आप सबको टूर कराऊंगी, ऊपर वाला फ्लोर भी मैं आप सबको दिखाऊंगी, आप लोगों को। अभी तक कंप्लीट नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, अच्छा इनकम्प्लीट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बालकनी है ना, इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी। वैसे तो आप हमारे गांव से हैं, एक ही गांव से, शादी में भी तो दिल्ली में भी एक ही जगह में, कृष्णा परिवार से एकदम रिलेटेड है, हम दोनों कनेक्टेड है, मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो मिल रहा है। और क्या, मैं आप सबको टूर कराऊंगी ऊपर वाले फ्लोर, और आप सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप लोग प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। मैंगो जूस पी के बहुत अच्छा लग रहा है। हाय 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 पगी ले वाला गिले वाला तो से हाय हाय हाय। माय नेम इज नीलमदा। वाओ दिस नाइस नेम। एंड माय नेम इज जॉयसिना। व्हाट? माय नेम इज ओडेसिना। एंड व्हाट आर यू डूइंग यू गाइस? आई एम ईटिंग फ्रेंच फ्राइज। मदर व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्लेइंग विद ओजेस। हां प्ले। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर के फ्लोर, तो चलिए मैं आप सबको टूर कराती हूँ। ये सेकंड फ्लोर होगा, सो लेट्स गो। थोड़ा सा डार्क होगा, उसके लिए सॉरी हाँ, हर जगह लाइट्स लगी हुई नहीं है। तो देखिए ये है वो फ्लैट जिसके बारे में बात कर रही थी। ये इतना बड़ा है ना, बहुत ही बड़ा। ये हॉल रूम है, ये जो फ्लैट है ये 3 BHK है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक रूम है, बेडरूम है, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो अभी थोड़ा सा डार्क है तो इससे पता नहीं चलेगा। और इस साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, ये है किचन रूम। गाइज इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, मतलब सबसे ज़्यादा ये किचन रूम अच्छा लगा क्योंकि ये किचन रूम भी काफ़ी बड़ा है। ये देखिए मेरा ये किचन रूम मेरा बहुत फेवरेट है। ये वाला भी और ऊपर का फ्लोर का जो किचन है ये भी मस्त है गाइस। और ये है बालकनी का दरवाज़ा और विंडोज। सो यहाँ पे और एक बेडरूम है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ड्रेसिंग टेबल बेड वगैरह लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जीजा जी के जो छोटे भाई है उनका रूम है। वैसे वो जब आते हैं तब यहाँ पे रहते हैं, वैसे वो यहाँ नहीं रहते। देखिए वार्डरोब्स भी है। क्या हुआ? ओजस को अच्छा लग रहा है। ओजस यू वांट टू स्टे हियर? यू वांट टू स्टे हियर?
रन। तो चलिए मैं आप सबको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस दिखाती हूँ इस फ्लैट का। ये है बालकनी। इतना बड़ा बालकनी है, मतलब आई जस्ट लव्ड इट। ये देखिए कितनी बड़ी है। यहाँ पे चेयर भी रख सकते हैं और झूलना भी रख सकते हैं। वैसे इस फ्लैट के लिए कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन दैट शुड बी प्योर वेजिटेरियन बिकॉज ये फैमिली वेजिटेरियन है। सो प्योर वेजिटेरियन वाले कस्टमर्स चाहिए इनको। ठिकाना है न्यू दिल्ली श्याम विहार। अंकल जी घर का टूर करा रहे हैं। तो देखिए ऑपोजिट साइड में भी और एक बालकनी है जहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं। ये भी काफी बड़ा है। से बाय। सो गाइस, पोंपा के घर आके बहुत अच्छा लगा और इनके फैमिली मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। वैसे हम लोग आते रहते हैं तो आज आके बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं और दीदी की मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। फिर आएंगे लास्ट में।